हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आई होप सभी अच्छे हो गए। तो भाई आप लोग तो जैसे कि भाई व्हाइट वंदे भारत को भूल ही चुके हो, तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारी व्हाइट वंदे भारत के साथ गेम प्ले करेंगे, और उसके साथ साथ भाई न्यू जो ITS 2 के बारे में आप लोग सब लोग पूछ रहे थे कि भाई कब अपडेट आएगी। तो हाइब्रो की तरफ से फिर से एक नया वीडियो जो स्टोरी मोड के ऊपर था वो उन्होंने दे दिया है। तो चलो गेम प्ले को पहले शुरू करते हैं और उसके बाद आपको वो भी मैं बता देता हूँ कि अपडेट क्या आने वाली है और क्या क्या इसमें फीचर देखने को मिलेगी। तो देखो भाई, यहाँ पे सैफ्रन वंदे भारत भाई साहब वो चेन्नई जंक्शन से निकल चुकी, हमारी वंदे भारत निकल रही है व्हाइट वंदे भारत के साथ। आज हमारी गेम प्ले हो रही है। इस तरफ एक और वंदे भारत है, व्हाइट वंदे भारत। चलो भाई, बहुत मस्त वाली जर्नी होने वाली आज। और भाई जल्दी से जल्दी भाई चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को मतलब कि पहली बार आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत बोलना। चलो तो देखो, ट्रेन हमारी अभी चेन्नई से छूटने के बाद अभी जाने वाली ये है मुंबई की तरफ। तो मिडिल में यहाँ पे इसका कोई भी स्टॉपेज नहीं है, तो स्टॉपेज होने वाले इसमें बेंगलोर और बेंगलोर से फिर से मुंबई। अभी देखते हैं कहाँ पे इसका स्टॉपेज दिया जाता है या नहीं, नॉन स्टॉप चलाया जाता है या इसको रोक दिया जाता है। ओ भाई देखो, इस तरफ से फिर से आ चुकी है हमारी व्हाइट वंदे। इसके साथ हमारी पैलेट रेस होने वाली है, लेकिन हम इसको रेस में नहीं हरा सकते क्योंकि भाई ये ट्रेन को AI चला रही है। तो बकचोदी ये है कि भाई जब ये AI चलाती है तो ट्रेन अपने आप हवा में रॉकेट की जैसे दौड़ती है, और जब हम चलाते हैं तो तभी वो ट्रेन इतना स्पीड से नहीं दौड़ती, ऐसा ही बात है। तो चलो भाई, मैं देखो केबिन पे आ चुका, अभी लाइट वाइट को ऑन अप कर रहा हूँ भाई, बहुत मस्त लग रही है यहाँ से व्यू। चलो अभी हम डायनामिक कैमरा फिक्स कर दिया, अलग अलग एंगल से आपको मैं ट्रेन को दिखाता हूँ। और व्हाइट वंदे भारत को तो भाई आप लोग लगता है भूल ही गए, मत भूलना भाई, इंडिया का फर्स्ट सेमी बुलेट ट्रेन भाई, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। वो जो ऑरेंज है सैफ्रन वंदे भारत वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है भाई। तो देखो हमारी ट्रेन को अभी लूप लाइन पर डाल दिया भाई साहब ने, तो यहाँ पे हमारी ट्रेन को रोकना पड़ेगा ऐसा ही। देखो सिग्नल भी हमारी रेड हो चुकी, यहाँ पे जो पहले AI वाला जो वंदे भारत को लेकर आ गया था उसको भी यहाँ पे रोक दिया गया है, उसको भी भाई लूप लाइन पर ट्रांसफर कर दिया है। अभी देखने वाली बात है कि कौन सी ट्रेन यहाँ से जाती है, इसीलिए हमारी ट्रेन को रोका गया है। अरे भाई, ओ भाई देखो, ICF के साथ जो WAV4 इंजन था उसको पास करवा दिया गया, उस तरफ व्हाइट वंदे भारत था वो गायब हो चुका, यहाँ पे सैफ्रन वंदे भारत अचानक से भाई ये प्रकट हो चुके। तो खैर छोड़ो, प्रकट होने दो, अभी कब तक के लिए हमारी ट्रेन को बिठाया गया कुछ नहीं मालूम भाई, तो स्किप करते हैं भाई। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका, तो ट्रेन को हमने भी डिपार्ट कर दिया, थॉटल को फुल पर कर दिया। तो बात ये कि भाई ये हमारी जो ITS 2 का अपडेट आने वाली थी उसका खबर अभी कोई भी नहीं है। हाइब्रो की तरफ से उनका चैनल में जो नोटिफिकेशन हमको मिला है उससे पता चल दिया कि भाई अभी कोई भी ITS 2 का अपडेट नहीं है। आप लोग एकदम सही तरीके से समझ रहे हो भाई, आपको फिर भी मतलब कि फिर भी मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाइब्रो की तरफ से कोई भी ITS 2 का अपडेट अभी भी नहीं है, नहीं देगा भाई आप लोगों को। अभी वो कार्तिक है भाई जो कैरेक्टर है वो क्रिकेट खेल रहा है, और एक मालगाड़ी भाई जो कि WDM-4D ऐसा ही कुछ है लगता है, तो वो मालगाड़ी को खींचते हुए जा रही है। लेकिन बात ये है कि जब आप लोग जैसे मतलब पूछ रहे थे कि भाई ITS 2 अपडेट आएगी, मेगा अपडेट होगा, सब कुछ एकदम चेंज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई। चलो आपको वीडियो दिखाता हूँ, चलो देख लो आप लोग। तो भाई लोग, आप लोग को समझ में आ गया है भाई, ITS 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों ने नाम भी मेंशन कर दिया भाई, कौन सा नाम आने वाले वो भी आपको दिखाता हूँ। चलो
तो भाई नाम भी देख चुके आप लोग कि भाई इंडियन ट्रेन सिमुलेटर ही आ रही है, ITS 2 या इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2 ऐसा करके कोई भी नाम नहीं आ रही है। इससे पता चलती है भाई कि ITS 2 का जो अपडेट है वही उसका कोई भी अभी न्यूज़ नहीं है। वो जो डेवलपर है वो स्टोरी मोड पे ये गेम बना के देगा, मतलब कि एक स्टोरी बना के देगा जिसमें भाई वो कार्तिक जो हमारी कैरेक्टर है वो गेम मतलब कि क्रिकेट खेल रही है और एक मालगाड़ी खींच के जा रही है, ऐसा ही कुछ होगा। तो खैर छोड़ो भाई, अभी आप लोगों को सभी को और हमको भी भाई यही रूट खेलना पड़ेगा, यही सब कुछ खेलना पड़ेगा, जिससे भाई मैं सच में बोलूँ अगर कि मैं मतलब कि बोर हो चुका हूँ। अगर RJ ट्रेन टच वाला वो भी अपडेट नहीं दे रही है भाई, ITS वाला वो भी नहीं दे रही है, और हमारी जो लोको ट्रेन सिमुलेटर वाले वो भी अपडेट नहीं दे रही है, तो एक तरीके से भाई मैं इससे पक गया हूँ। और हमारे ITS वाले अभी ट्रक मस्टर्ड इंडिया के ऊपर जोर दे दिया है, तो वही उन लोगों मतलब कि उसी गेम को डेवलप कर रही है अभी। तो खैर छोड़ो, अभी हम गेम प्ले के ऊपर ध्यान देते हैं भाई। तो देखो 155 की स्पीड को क्रॉस करते हुए हमारी ट्रेन, अरे 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 भाई सिग्नल दे दिया, अरे 200 का स्पीड पकड़ लेता। खैर छोड़ो, फिर से दे दिया भाई, तो थ्रॉटल को फुल करते हैं। अभी देखते हैं बैंगलोर पहुंचते हमारी ट्रेन 180 की स्पीड पार कर पाती है या नहीं। चलो भाई आ चुका है अभी सेटिंग वाले व्यू पर इस तरफ से। ओ भाई देखो, एक कंटेनर भरी मालगाड़ी हमारी ट्रेन को एकदम फुल रफ्तार से क्रॉस करते हुए चले गई भाई। वाह भाई वाह, क्या मस्त वाला व्यू है। तो अभी देखो 140 का स्पीड हमारी ट्रेन ने अप कर दिया भाई, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ने। अभी यहाँ से बैंगलोर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो लगता नहीं कि हो पाएगा, लेकिन क्या कर सकता है भाई, मिडिल में स्लो कर दिया था, नहीं तो अब कब का हो जाता। तो चलो अभी देखो कितना दूर है भाई, 700 मीटर ही दूर है। तो अभी हमारी ट्रेन ने 160 की रफ्तार पकड़ ली भाई, ये कन्फर्म है। वाह भाई वाह, 160 हो चुकी है। अभी देखो हम थ्रॉटल को डाउन कर देंगे, ये इस तरह से भाई सैफ्रन हमारे साथ क्रॉसिंग हो चुकी, रफ्तार वाली क्रॉसिंग भाई, यूं ही नहीं। तो दोनों को अप्लाई कर दिया, ब्रेक हमने पुश कर दिया है, थ्रॉटल को डाउन कर दिया। अभी बैंगलोर से हमारी ट्रेन जाएगी मुंबई, लेकिन मुंबई जाने के लिए मतलब कि रवाना होती है बैंगलोर से, और मिडिल में एक कांड हो जाती है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलो तो धीरे धीरे हमारी जो वंदे भारत है वो अराइव कर रही है हमारी बैंगलोर जंक्शन को, जो कि एक बहुत ही बड़ा वाला जंक्शन है भाई। चलो आंदे भाई आंदे। अभी यहाँ पे हमारी रूट थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो लोडिंग के बाद फिर से मुंबई मतलब कि बैंगलोर से ट्रेन को छोड़ा जाएगा, मतलब कि आगे का रूट जो है वो लोडिंग होगा अभी। चलो चलो, अरे भाई कितना दूर आ रही है, रोक दे भाई ट्रेन को। तो रुक गई हमारी ट्रेन, अभी मैप लोडिंग होने वाली है। तो भाई लोडिंग के बाद देखते हैं तो बैंगलोर पे क्या एकदम ट्रैफिक बढ़ गई है, दो दो व्हाइट वंदे भारत जिसमें से एक भाई छोड़ दिया, और यहाँ पे एक और सैफ्रन वंदे भारत है, यहाँ पे V4 के साथ है एक मालगाड़ी है कंटेनर भरी। चलो तो ट्रेन को अब यहाँ से हम डिपार्ट करते हैं। चलो भाई येलो सिग्नल, मतलब कि धीरे धीरे ट्रेन को यहाँ से निकालने के लिए हमारी हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुकी। चलो अभी देखो 15 की स्पीड से हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ ही नहीं कि भाई देखो यहाँ पे सिग्नल दे दिया इन लोगों ने, अरे क्या होगा, नॉनस्टॉप ट्रेन ही नहीं चल रही है भाई हमारी, मतलब कि वंदे भारत का जो टॉप स्पीड होती है वो देखने के लिए ट्रेन को नॉनस्टॉप चलाया जाती है, लेकिन यहाँ पे भाई देखो जिसमें भी मतलब कि बैंगलोर से हमारी जो वंदे भारत का अगला स्टॉपेज वो है मुंबई, लेकिन देखो यहाँ पे पुणे पे ही रोक दिया है, तो कैसे होगा भाई। पुणे, हाँ हाँ मुंबई और पुणे, तो बैंगलोर से छोड़ती है हमारे ट्रेन का स्टॉपेज है भाई पुणे पे। तो चलो अभी देखो ज़्यादा दूर नहीं है, तो ब्रेक को अभी से अप्लाई करना पड़ेगा। चलो भाई ट्रेन को रोकना पड़ेगा, क्यों रोकना भाई, अभी अभी तो छोड़ा, अभी देखते हैं क्या होती है। तो ट्रेन हमारी फिर से छोड़ने के बाद ही रोकना पड़ा, अभी रोक देते हैं, अभी देखते हैं किस लिए। यहाँ पे कोई गुजरात मेल एक्सप्रेस हमारे ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, लेकिन देखने वाली है ये, देखो भाई कोई और रूट पकड़ लिया होगा। चलो ट्रेन को छोड़ते हैं भाई, छोड़ दो, चलो चलो चलो, तो कोई और रूट से चला गया होगा। और भाई एक चीज अच्छा है भाई कि वंदे भारत का गेट जो स्टेशन पे खुलती है और स्टेशन पे ही बंद होती है, तो इसीलिए अभी अभी कहीं पर भी हमारी ट्रेन रुक जाए तो उसका गेट नहीं खुलेगा, ये अच्छी बात है। तो ट्रेन पैसेंजर कभी
ट्रेन से नीचे उतर ही नहीं पाएगी भाई, ये बहुत मस्त होगा भाई। चलो तो देखो, ट्रेन हमारी एक रोड क्रॉस करते हुए जा रही है, पुणे, पुणे नहीं भाई, ये कौन सा स्टेशन है। फिर से देखो सिग्नल दे दिया भाई साहब ने, मतलब कि ट्रेन को चलना ही नहीं देगा भाई ये नॉनस्टॉप। खैर क्या कर सकते भाई, सिग्नल दिया है तो रोकना तो पड़ेगा ही। चलो धीरे धीरे हमारी ट्रेन अभी एंटर करी है यहाँ पे कोई एक लोकल स्टेशन पर, जो कि पहले से यहाँ पे एक कौन सा ट्रेन है, वंदे भारत, पहले से ही वो वंदे भारत को यहाँ पे खड़ा कर दिया भाई, जो कि हमारी ट्रेन छोड़ने से पहले निकल चुकी थी, तो उसको भी यहाँ पे रोक दिया गया है भाई। किसके लिए रोका है भाई अभी देखना पड़ेगा, इतना रोकेगा तो ये फास्टेस्ट कैसे चलेगा भाई, अभी देखते हैं। आगे चलते भाई, क्या माजरा यहाँ पे देख सकते हो, खड़ी है हमारी दो दो मतलब वाइट वंदे भारत। चलो अभी सामने जाते हैं और देखते हैं। तो हमने सोचा कि ट्रेन सिग्नल यहाँ से 80 मीटर दूर है, 85 मीटर, तो थोड़ा सा ट्रेन को आगे ले चलते हैं। और भाई बात यह है कि बहुत टाइम के बाद भाई लगभग 10 से 15 मिनट से हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी सिग्नल नहीं दे रही है, लगता है कोई भूल चुका है। हमारी यहाँ पर दो दो ट्रेन है खड़ी, तो मैंने सोच लिया कि भाई अभी सिग्नल हम क्रॉस करेंगे और देखेंगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कमबख्त ये ब्रेक है ना, ये देखो भाई, ये अपने आप अप्लाई कर दिया भाई। अरे तो यहाँ पे वृंदावन, अरे अरे अरे, अच्छा बांद्रा भुज एक्सप्रेस यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है, लेकिन बात ये है कि भाई ना हमारी सिग्नल दे रही है या जाने दे रही है। तो ये मेरा दिमाग बहुत टाइमों से गर्म हो चुकी, तो मैंने भी सोच लिया अभी ट्रेन को पीछे लेकर जाएंगे और पीछे से ट्रेन को एकदम रफ्तार से आगे, देखो भाई फिर से रफ्तार से आगे लेकर जा रहे हैं और ये लो ब्रेक लगा दिया भाई। अरे ये ऑटोमेटिक सिस्टम अगर सही में रियल में अप्लाई होती तो जो एक्सीडेंट हो रही है अभी वो तो बंद हो जाता, लेकिन रियल में नहीं हो रही है। देखो भाई एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रही है भाई, ब्रेक अप्लाई हो रही है, तो दिमाग खराब हो चुकी भाई। अभी गया भाड़ में भाई हमारी मुंबई, अभी हम ट्रेन को फिर से बेंगलोर लेकर जाएंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। ले भाई पीछे ले, अभी देखते हैं क्या होगा जो देखा जाएगा। और ये हमने सिग्नल क्रॉस कर दिया भाई, और देखो अभी क्या होती है। और लो हमारी गेम का पूरा कांड हो चुका। तो मिलते हैं अगले वीडियो।